Good morning, students. Here we are studying about the redox reaction. Redox reaction में अभी तक हमने जो topics पढ़ लिए हैं वो है redox reaction on the basis of oxygen, on the basis of hydrogen, on the basis of electronegative and electropositive elements. इसके अलावा हमने redox reaction को electron transfer के basis पर भी हमने पढ़ लिया था. और लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी स्टडी किया था कि किसी भी कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है. आज हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग. रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है. तो ये हमने वैसे तो पिछली क्लासेस में स्टडी कर लिया है, लेकिन एक बार फिर इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है. हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पर हम कहते हैं रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इट मींस उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है. इसके अपोजिट अगर कोई एलिमेंट और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है. तो बेसिकली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, और इसके अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है रिडक्शन रिएक्शन को. अब इसके अंदर समझने वाला चीज ये है, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस सब्सटेंस का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है. लेकिन जब उसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस कंडीशन में कोई सब्सटेंस उस इलेक्ट्रॉन को गेन तो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एलिमेंट हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. जब मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. क्योंकि हम कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन को. तो मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया अपनी साइड से, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे साथ, तो मैं ऑक्सीडेशन हुआ. लेकिन अगर आपने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट मींस जब आपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो आपका हो गया रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है रिडक्शन को. तो बेसिकली मेरा ऑक्सीडेशन हुआ और आपका रिडक्शन हुआ. लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करता, जब तक कि कोई गेन करने वाला नहीं होता. बेसिकली अगर मैं कहूं तो आपने मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और आपने क्योंकि मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब यह है कि आपने मेरा ऑक्सीडेशन किया है. मैंने अपने आप इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, मैंने अपने आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो आपने ले लिया. या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं इस तरह से समझ के कि कोई रिएक्शन है ए और बी, जब ए इलेक्ट्रॉन देता है बी को, तो ए का तो हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ए ने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो किया. बी का क्या हो गया, क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो बी का हो गया रिडक्शन, ठीक है सुरेश. लेकिन क्या ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता अगर बी लेता ही नहीं, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो इसने दिया. इसीलिए हम कहते हैं कि बी इसका ऑक्सीडेशन करता है. अगर बी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ए का ऑक्सीडेशन कहां से होगा, भाई बी इलेक्ट्रॉन ले गए नहीं तो ए इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ठीक. तो बी ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज बी ने इसका इलेक्ट्रॉन लेकर, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करकर इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया. तो रिडक्शन किसका हुआ, बी का, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन लिया. लेकिन बी ने इसका इलेक्ट्रॉन लेकर इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया. तो क्योंकि बी ने इसका ऑक्सीडेशन किया तो बी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट अगर बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो बी का हुआ है रिडक्शन, बी का हुआ है रिडक्शन, लेकिन अगर ए इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं तो क्या बी इलेक्ट्रॉन ले पाता है? तो बी इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता, दैट इज बी का जो रिडक्शन हुआ है वो इसके इलेक्ट्रॉन देने की वजह से हुआ है। तो ए ने बी का रिडक्शन किया है इसलिए बी क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कोई ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है लेकिन वो दूसरे का रिडक्शन कर देता है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह से अगर किसी स्पीशीज का रिडक्शन होता है तो वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का तो रिडक्शन हुआ है लेकिन वो दूसरी स्पीशीज का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी रिएक्शन समझते हैं, जिंक क्यूबिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाता है जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। एक ऑक्सीजन क्या कर लिया? गेन कर लिया। जिंक ने ऑक्सीजन गेन किया तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का एड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर ने क्यूबिक ऑक्साइड का कॉपर ने ऑक्सीजन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन डोनेट कर दिया। ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर जिंक का तो हुआ ऑक्सीडेशन और क्यूबिक ऑक्साइड का क्या हुआ? रिडक्शन। तो हम कह रहे हैं जिंक ने ऑक्सीजन गेन करके क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन डोनेट कर दिया। लेकिन अगर जिंक ऑक्सीजन लेता नहीं इससे तो क्या कॉपर का रिडक्शन होता? क्या नहीं होता ना। तो जिंक ने ऑक्सीजन लिया इसलिए जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इससे लिया तो इसने त्याग दिया या इसने डोनेट कर दिया, दैट इज जिंक क्या है? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए जिंक क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसने ऑक्सीजन गेन किया, लेकिन इसने ऑक्सीजन किससे लिया? कॉपर से। तो कॉपर ने ऑक्सीजन डोनेट कर दिया उसका रिडक्शन हो गया, अगर जिंक लेता ही नहीं तो उसका रिडक्शन होता ही नहीं, इसलिए इसका रिडक्शन कर दिया इसलिए जिंक क्या कहलाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसके अपोजिट कॉपर जो है इसने एक ऑक्सीजन क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, और ऑक्सीजन का एलिमिनेशन कहलाता है रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, लेकिन कॉपर ने ऑक्सीजन किसको दिया? जिंक को, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। अगर कॉपर इसको ऑक्सीजन देता नहीं तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता? क्या नहीं होता ना। तो कॉपर रेस्पॉन्सिबल है इसके ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे सिंपल सा चीज है कि ऐसी स्पीशीज जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑन द अदर हैंड ऐसी स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले न्यूट्रल था, अब Fe कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? Fe+2 में।
मतलब पहले न्यूट्रल था, अब इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस पर चार्ज आ गया Fe+2। तो इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और आप जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसके अपोजिट कॉपर, पहले दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन्स कम थे, लेकिन इसने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लिया इसने, न्यूट्रल कर लिया खुद को। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन, रिडक्शन। और आप जानते हैं अगर किसी का रिडक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।